कर्क राशि और लग्न के लिए 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले साल के जो आपके लिए करियर, मैरिज, सेविंग्स और आपके डिज़ायर फुलफिल होने का ये साल है, बेस्ट समय है। 2023 ने आपको क्या दिया था सब छोड़ दीजिए, अभी आप जो है तैयार हो जाइए आपके करियर, मैरिज, सेविंग सभी चीज़ों के लिए एक बेस्ट समय। मैंने यहाँ पे दो कुंडली बनाई हुई है, पहली जो है ये 30 अप्रैल 2024 तक का है, और बाद वाला जो है ये दूसरा कुंडली जो 30 अप्रैल 2024 के बाद, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु ट्रांजिट करने वाले 30 अप्रैल के बाद में। तो अब बात करते 30 अप्रैल तक, गुरु जो है वो करियर के भाव में है, आपके लिए करियर में बेस्ट उछाल ये गुरु देगा। आपको अगर कहीं पे नई जॉब करनी है, नया जॉब आप स्विच करना चाहते तो 30 अप्रैल से पहले पहले आप कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक ये गुरु आपका कोई इंक्रीमेंट अटका हुआ है, कोई प्रमोशन अटका हुआ है, ये गुरु आपको डेफिनेटली यहाँ पे देंगे। अगर आपका राशि का जो स्वामी है चंद्र, उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपके लिए और ज़्यादा परिणाम शुभ मिलेंगे। और यहाँ पे ये गुरु आपके पिता के साथ भी बॉन्डिंग बढ़ाएगा। अब यहाँ से हम गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, तो एक दृष्टि गुरु की यहाँ पे हो रही है, जो सेकंड स्थान है यहाँ पे गुरु आपके स्पीच में सुधार लाएगा, आपकी सेविंग्स ये गुरु बढ़ाएगा, और यहाँ पे कुटुंब के साथ आपका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। और सप्तम दृष्टि जो है वो माता के स्थान पे है, आपके माता के साथ भी रिलेशन सुधर जाएंगे, बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, उनके साथ मिलना पॉसिबल हो जाएगा। घर खरीदना है, व्हीकल खरीदना है तो योग बन रहे हैं। उसके बाद और एक दृष्टि है यहाँ पे, नवम दृष्टि जो है वो सिक्स हाउस पे खुद की राशि पे है। यहाँ पे आपका कोई भी बीमारी अगर कुछ है तो गुरु ये सामने भी लाएगा और क्योर भी करेगा, रिजोल्यूशन भी देगा। आपको यहाँ पे गुरु कर्जा भी दिला सकता है, तो यहाँ पे घर खरीदने के भी योग बन रहे, यहाँ से कर्जा भी देगा। आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन गुरु तैयार कर रहे हैं, शत्रुओं का नाश करेगा, निगेटिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी और आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे शनि जो है अष्टम भाव में रहने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर। ये शनि यहाँ पे ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ाएगा और आपको ज्ञानवर्धक इन्फॉर्मेशन भी ये शनि यहाँ पे देगा। हाँ, कोई बीमारी जो आपको पता नहीं है, गुप्त बीमारी आपको जो पता नहीं, बॉडी में ऑलरेडी है बट आपको पता नहीं, शनि उजागर करके आपके सामने लाएगा। अब यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि है तीसरे स्थान, तीसरी दृष्टि दशम भाव पे। जब तक गुरु यहाँ पे है तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 30 अप्रैल से पहले पहले आपको अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया आप करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, 30 अप्रैल से पहले पहले कर लेना चाहिए। अब गुरु की एक दृष्टि है यहाँ पे, जो स्पीच का भाव है वो अच्छा है, वहाँ पे शनि की और गुरु की दोनों की भी दृष्टि है, तो शनि भी यहाँ पे आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद एक दृष्टि है यहाँ पे, तो यहाँ पे एजुकेशन के भाव पे भी शनि की दृष्टि अच्छी है, डरने की कोई बात यहाँ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देगा। एजुकेशन, संतान के लिए भी ये दृष्टि शनि की अच्छी है। राहु यहाँ पे भाग्य में कमी लाएगा और धर्म में आपकी आस्था ये राहु यहाँ पे कम करेगा। आपको जो है पिता के साथ थोड़ी अनबन ये राहु करा सकता है, बट एक क्लैरिटी के साथ, दोनों भी एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और केतु जो है वो थर्ड हाउस में बैठकर आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा वीक कर सकता है। आप यहाँ पे पराक्रम साहस के भाव में है केतु, ब्रदर सिस्टर्स के साथ कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अदरवाइज ये केतु यहाँ पे आपको निराशा दे सकता है। अब बात करते हैं कि 30 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है। शनि राहु केतु साल भर यहीं पे रहने वाले हैं, ओनली जो गुरु है वो दशम भाव से एकादश भाव में जाने वाले हैं। तो गुरु एकादश भाव में जाके आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में जाके आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, आपके लिए अर्निंग का एक नया सोर्स जनरेट हो सकता है, या जो भी आपका सोर्स है उसमें वो जो आप अभी तक 1 लाख रुपये अर्निंग कर रहे थे, 1 लाख 10 हज़ार, 1 लाख 20 हज़ार, गुरु उसमें बढ़ोतरी करेंगे। अब यहाँ से गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5
यहाँ पे केतु जो 30 अप्रैल तक आपको तकलीफ देने वाले हैं ब्रदर सिस्टर्स के स्थान पे, जब गुरु ट्रांजिट करेंगे तब गुरु वहाँ पे एक सुरक्षा कवच देंगे, तब आपके रिश्ते बच सकते हैं, आपके लिए तब सभी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी। उसके बाद गुरु की एक दृष्टि है यहाँ पे पंचम भाव पे, गुरु की भी और शनि की दोनों की भी दृष्टि रहेगी, आपके लिए बेस्ट समय है एजुकेशन खास करके हायर स्टडीज़ के लिए, ये बेस्ट समय है। आपको अगला एक डेढ़ दो साल में कोई कोर्स आप बहुत दिनों से कंप्लीट करने की आप चाह रख रहे थे लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था, अब आप एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। और गुरु की एक दृष्टि रहेगी ये यहाँ पे सप्तम भाव मैरिज का जो स्थान है वहाँ पे, तो बहुत सारे कर्क लग्न राशि के लिए जो लोग हैं 30 अप्रैल के बाद में आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, तो अभी से ये सब चीज़ों के ऊपर आप एक्शन लेना चालू कीजिए ताकि समय का बेनिफिट आप उठा पाओगे। तो कर्क राशि और लग्न के लिए फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोज़ का आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।